सारे के सारे आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपके रिकमेंडेशन के लिए हम आज जो वीडियो लाए हैं वो है कि आप अगर आप हैकर से कैसे बचें। अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप इसे पहले ही सही कर लेते हैं तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हैकर से कैसे बचते हैं आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ और हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप सही सही समझने की कोशिश करना, तो आपका चैनल जो है कभी भी हैक नहीं होगा, ये 100% हम आपको गारंटी दे रहे हैं। तो आप हैकर से कैसे बचते हैं तो बिना किसी देरी वीडियो को शुरू कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। हैकर जो है वो आपका चैनल जो है कैसे हैक करता है। तो हैकर आपका चैनल को दो तरीक़े से हैक करता है। पहला है जो आपको कोई लिंक भेजेगा उस पर आप अगर टाइप करते हैं तो आपका चैनल हैक हो जाएगा। और दूसरा जो है वो स्पॉन्सरशिप है, मतलब आपको स्पॉन्सरशिप का लालच देगा, उससे आपका चैनल हैक हो सकता है। तो इन लोगों से हैकर से कैसे हाथ से बचें तो हम इस बारे में आज अभी पूरे डिटेल में बताएंगे, तो स्टेप बाई स्टेप समझना। तो सबसे पहले अगर आपको कोई लिंक भेजता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कोई लिंक भेजता है तो उसका पूरा डिटेल लीजिए, उस पर टैप मत ऐसे वैसे टैप मत कीजिएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है कोई भी, अगर आपको यूट्यूब के थ्रू से या कुछ भी थ्रू से अगर आपको लिंक आता है तो आप उस पर क्लिक मत कीजिए। हाँ, अगर यूट्यूब के और यूट्यूब की तरफ से मेल आता है, ऑफिशियल साइट से मेल आता है तो उस पर आप टैप कर सकते हैं। हैकर जो दूसरा तरीका यूज़ करता है जिससे बहुत सारे लोगों का चैनल हैक होता है वो है जो स्पॉन्सरशिप। तो अगर आप पहचानना चाहते हैं कि वो हैकर है या कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका एक तरीका हुआ है कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोले हैं तो आपके पास दो मोबाइल होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास दो मोबाइल होना चाहिए। तो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि वो हैकर है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी कंपनी का या हैकर का आपके पास मेल आता है, ठीक है, कि आप हमारे जो है इस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कीजिए, हम इतना आपको पे करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरे मोबाइल से जिस मोबाइल पर आपका यूट्यूब चैनल का जो ईमेल है वो लॉग इन नहीं है, उस मोबाइल से आप क्या कीजिए, उसको मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद उसको मोल भाव कीजिए। मोल भाव अगर वो कंपनी के थ्रू से स्पॉन्सर करेगा तो कंपनी 2 रुपये बचाने के लिए आपसे मोल भाव करेगा। अगर वो हैकर होगा तो जल्दी में मान जाएगा, तो इससे आप उसको पकड़ सकते हैं। दूसरा चीज़ आता क्या है, मोल भाव करने के बाद आप उससे पूछेगा कि हम आपका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो स्पॉन्सर करेंगे, पर आपको वो एक डेमो वीडियो देना पड़ेगा। आप उन लोगों से एक डेमो वीडियो मांगना, अगर आपको वो कोई आपको डेमो वीडियो दे देता है कि इस प्रोडक्ट का कोई और भी जो है स्पॉन्सर किया है, उसका आप एक डेमो वीडियो उसको आपको लेना पड़ेगा। तो अगर वो डेमो वीडियो दे देता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो कंपनी है वो हैकर नहीं है। तो आपको आपके पास मतलब दो मोबाइल होना ही चाहिए जिससे एक से आप हैकर को मैसेज कर सकते हैं, जिस पे कोई आईडी आपका लॉगिन नहीं होना चाहिए वरना वो हैक कर लेगा। तो इससे ही आप बच सकते हैं, ये दो ट्रिक था। और आगे हम जो अगले वाले वीडियो पे बताएंगे, अगर आपका चैनल हैक हो गया है तो उसे आप कैसे ही 7 दिन में वापस ला सकते हैं, तो उस बारे में बने रहिए। अगर आपका चैनल हैक हो गया तो इस बारे में भी हम एक वीडियो लाएंगे, तो फुल डिटेल में वो बताएंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप अपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि अगले वीडियो जो है वो जल्दी आने वाले हैं, जो अगर आपका चैनल जो हैक हो गया उससे आप कैसे वापस ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।